अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं माइक्रोवेव पर सेवई खीर कैसे तैयार किया जाता है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान है तैयार करना। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप सेवई लिया है और 3 इलायची लिया है और 3 स्टिक दालचीनी लिया है और 1 तेज़पत्ता मैंने तोड़ के लिया है और कुछ किशमिश लिया है और 1 चुटकी भर नमक लिया है और आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ इसमें और इसे अच्छी तरह मिलाना है अभी। और अभी मैं एक प्लेट पर इस बोल को मैं रखूँगी। प्लेट में इसलिए मैं रख रही हूँ क्योंकि अक्सर पानी उबल के नीचे आ जाता है, नीचे गिर जाता है, तो माइक्रोवेव कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं प्लेट के ऊपर मैं बोल रख रही हूँ। और अभी मैं इसे 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो मैं माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए मैंने फिक्स किया है, तो मैं 3 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी अभी। ये देखिए 3 मिनट ये हो गया है, तो अभी मैं निकाल रही हूँ इसे। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है, तो अभी मैं इसमें चीनी और दूध मिलाऊंगी। तो अभी मैं इसमें 3 टेबल स्पून चीनी मिला लिया है और 2 कप दूध मिला रही हूँ। और दूध मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर मैं 2 मिनट के लिए और माइक्रोवेव पर रखूँगी पकने के लिए। और इस 2 मिनट के अंदर बीच बीच में इसे हिलाते रहना है क्योंकि दूध उबल आ जाता है तो नीचे गिर जाता है, तो ये ना हो जाए इसलिए बीच बीच में से हिलाते रहना है दरवाज़ा खोल के माइक्रोवेव का। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो ये देखिए मैंने 1 मिनट बाद मैंने दरवाज़ा खोल लिया है और फिर हिला लिया है थोड़ा सा। अभी मैं और पकाऊंगी आधा मिनट के लिए। तो ये देखिए आधा मिनट बाद दूध में बिल्कुल उबाल आ चुका है। तो जब दूध में उबाल आ जाए तो इसे निकाल लेना है माइक्रोवेव से। तो अभी मैं इसमें आधा टीस्पून घी मिलाऊंगी। घी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना मिलाए, लेकिन घी मिलाने से इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं घी मिला रही हूँ। और अभी ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे बादाम और किशमिश के साथ सर्व करें। तो देखिए कितना जल्दी बन गया है सिर्फ 5 मिनट में। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।